चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैग्नेटिज्म एंड मैटर आर्टिकल 5.21 द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द पैटर्न ऑफ आयरन फाइलिंग्स परमिट अस टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिस इज शोज बोथ फॉर द बार मैग्नेट एंड द करेंट कैरिंग सोलेनोइड इन फिगर 5.3। तो जब पिक पैटर्न अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो जो यहाँ फिगर भी दिया है, तो इसमें अगर हम देखें ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एंड दिस इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड दिस वन इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें सिमिलैरिटी दिखती है इन तीनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है वो सिमिलर है। इसके बाद इसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर आल्सो डिस्प्लेड इन फिगर 5.36। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अ विजुअल एंड इंट्यूटिव रियलाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या, तो एक विजुअलाइजेशन है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा बट ये एक विजुअलाइजेशन है ताकि हम एक आइडिया लग सके मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से वहाँ कहाँ उनकी स्ट्रेंथ जा रहा है का कम है। तो उसका एक विजुअल इंट्यूटिव रियलाइजेशन है या रिप्रेजेंटेशन है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट और अ सोलेनोइड फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज लूप। दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर दिस फील्ड लाइन बिगिन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज और स्किप टू इन्फिनिटी। तो ये कंटिन्यूस लूप बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, स्टार्ट होगी ये नॉर्थ से और ऐसे तक जाएगी, लेकिन ये इसके इनसाइड द मैग्नेट भी ये कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरह से कंटिन्यूस कर्व फॉर्म करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जबकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये कंटिन्यूस कर्व नहीं बनाएगी। तो ये कंटिन्यूस कर्व नहीं बनाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर सिंगल चार्ज है तो ये इन्फिनी तक भी जा सकती है, इन्फिनिटी तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा सकती है। और अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज तक जाएगी, तो ये क्लोज कर्व नहीं है जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व है। सेकंड पॉइंट है द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। तो ये काफ़ी सिमिलर है पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, जैसा कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में जो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलरली इसमें भी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, उसमें टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे उस पॉइंट पे जहाँ पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चाहिए और हमें डायरेक्शन मिल जाएगी टेंजेंट ड्रॉ करने में उस पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इज लार्जर अराउंड सेकेंड एंड देन इन थर्ड। तो जहाँ पर भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस एरिया में भी या जिस रीजन में भी फील्ड लाइन क्लोजर होगी, जितनी ज़्यादा लाइंस होगी यानी कि उस एरिया में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करी है। तो इस हमें पता है जो पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ क्लोज है काफ़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस एरिया में ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस है यानी कि यहाँ पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर इफ दे डिड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये भी सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये इस तरह से अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी कि, और हमें पता है कि डायरेक्शन के लिए हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर दो टेंजेंट बन रहे हैं, और क्योंकि दो टेंजेंट बन रहे हैं तो इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, जो कि पॉसिबल नहीं हो। एक पॉइंट पर डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की एक ही होनी चाहिए, जबकि एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। वन कैन प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। वन वे इज टू प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास नीडल एट वेरियस पोजिशन एंड नोट्स इज ओरिएंटेशन। दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट एट वेरियस पॉइंट इन स्पेस। तो बहुत सारे तरीके बनाने के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक जो मेथड है ये क्या कर सकते हैं, जैसे ये बार मैग्नेट है हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके पास हम एक मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर सकते हैं, और एक मैग्नेटिक कंपास एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। तो जैसे कि ये इस तरफ से ऐसा पॉइंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर फिर जो पॉइंट हमें आएगा इस पॉइंट को हम मार्क कर सकते हैं, फिर अगेन मैग्नेटिक कंपास को इस पॉइंट पे प्लेस कर सकते हैं, फिर ये अगेन एक डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पॉइंट करेगा। तो इस तरह से फिर अगेन इस तरह से करते हुए हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से ये पॉइंट करेगा, तो फाइनली हमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी, हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे।